एशियन गेम्स 2018 में साजन ने इतिहास रचा है स्विमिंग यानी कि बटरफ्लाई स्विमिंग के फाइनल में पहुंचकर। 32 साल में पहली बार कोई भारतीय बटरफ्लाई स्विमिंग में फाइनल में पहुंचा है। हमारे पास गोल्ड आ चुका है पहलवानी में। जनाब पहले ही दिन ये खूबसूरती मज़ा ही आ गया। आज हम आवाम के बीच निकले हैं यही जानने कि आखिर खेल कूद का महत्व उनकी लाइफ में क्या है और आखिर वो क्या सोचते हैं खिलाड़ियों के बारे में, क्या सोचते हैं एशियन गेम्स के बारे में, क्योंकि मज़ा बड़ा आता है जब देश को गोल्ड मेडल मिलता है, देश इतिहास रचता है। यही विचार हैं, यही कुछ बातें हैं जो आज आवाम से जानेंगे। आइए जानते हैं। आज निकले हैं जानने कि गेम यानी खेल की अहमियत एक छात्र की, एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में क्या होती है, कैसे वो उसे बैलेंस करता है और एशियन गेम्स ओलंपिक में जाने के वो किस तरीके से सपने देखता है। आपका नाम जानना चाहूँगा। रूबी कोड। रूबी, ओके रूबी, क्या लगता है कि कितना मुश्किल होता है गेम्स और स्टडी को बैलेंस करना, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि उसका बच्चा स्टडी में अव्वल आए, एक अच्छी नौकरी ले, पर खेल में आना कितना मुश्किल रहता है? खेल में आना मतलब है मुश्किल, पर जैसे जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, इंडिया प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो थोड़ा कम मुश्किल होता जा रहा है। गर्ल्स के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि पेरेंट्स नहीं चाहते कि कोई, जैसे इंडिविजुअल गेम है जैसे एथलेटिक्स है, तो पेरेंट्स नहीं चाहते कि कोई अकेली लड़की कहीं पे जाए, वो उसे सेफ फील नहीं करते हैं। टीम गेम्स में फिर भी थोड़ा बहुत मतलब पेरेंट्स हैंडल कर लेते हैं कि हाँ 12 लड़कियाँ हैं तो ईजी होगा, सपोर्टिव होगा, पर अभी इतना पेरेंट्स ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पा रहे कि कोई मेल कोच के साथ हम कोई लड़की को अकेला भेज दें, तो है अभी डिफ़िकल्टीज़ है, बहुत डिफ़िकल्टीज़ है। अकॉर्डिंग मतलब अगर हम दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करें जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, तो उनसे कंपैरेटिवली हम काफ़ी पीछे हैं अभी। उनसे हम काफ़ी पीछे हैं पर कोशिश करेंगे तो ज़रूर। हाँ कोशिश करेंगे तो ऑफकोर्स वी आर प्रोग्रेसिंग। एग्जैक्टली। तो आप अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए क्या करती हैं, किस तरीके से आप उन्हें समझाती हैं कि सब कुछ सेफ? एक्चुअली मेरा तो स्पोर्ट हमेशा घर से रहा है, मेरे पेरेंट्स मेरे को बहुत मोटिवेट करते हैं। एक्चुअली मेरे भाई ने भी मेरे को बहुत मोटिव किया है। मैं शुरू से बैडमिंटन में हूँ एंड मैं चाहती हूँ कि मैं अभी देश के लिए कुछ करूँ एंड मेडल कभी ना कभी तो लेके आऊँ। देश में चल रहा है यानी कि दुनिया में चल रहे हैं, दुनिया के 45 कंट्रीज एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। 18वां एशियन गेम्स 2018 में। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप सपना देखती हैं ओलंपिक में एशियन गेम्स में जाने के, अभी आपको क्या लगता है कि इंडिया का प्रदर्शन कैसा चल रहा है? मेरे हिसाब से तो इंडिया अच्छा कर रहा है अभी तक, बट मैं चाहती हूँ कि और भी अच्छा करे आने वाले टाइम में और जो बाकी टॉप नंबर वन में हमारी कंट्री दिखे। अरे वाह, टॉप नंबर वन में हमारी कंट्री दिखे। आप का जो सपना है, आप बताइए कि आपका एग्जैक्टली ओलंपिक में जाने का सपना है, एशियन गेम्स में जाने का सपना है? फिलहाल अभी मेरा सपना नहीं है, मेरा सपना था, बट अगर मेरे के एज के अकॉर्डिंग देखे तो अभी मतलब जो मुझे आगे करना है, मुझे बनना है एक ऐसा कोच जो आगे जाके, जैसे पार्शियलिटीज़ होती है और जो एज डिफरेंस की प्रॉब्लम आती है, जैसे करते हैं कुछ कोचेज या फिर पेरेंट्स खुद ही करते हैं बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए कि एज छोटी करवा लेते हैं, तो मैं एक ऐसा कोच बनना चाहती हूँ जिसमें हम ये पार्शियलिटी ना रखें, क्योंकि वही होता है नेशनल लेवल पे हम करवा सकते हैं कि 25 साल का बंदा 18 साल की एज में खेल सकता है, लेकिन अगर हम फॉरेन में कम्पीट करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं कर, आप चले भी जाओगे लेकिन आप उनके कॉम्पिटिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वही जो एक यंग एज का बंदा है वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन एक एज पे आके हम स्टेबल हो जाते हैं, जैसे 26 या 27 की एज पे हम खेल रहे हैं तो हमारे गेम स्टेबल हो जाएगा, हम उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाते हैं, ये हमारा एक बॉडी का मतलब फॉर्म है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं मतलब मेरा जो अभी सपना है वो एक ऐसा कोच बनने का है कि मैं हेल्प करूं। एक ज़बरदस्त कोच बनने का सपना है, तो कोच बनने के लिए अभी आप क्या कर रहे हैं? कोच बनने के लिए अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी तो जैसे मैं अपना बैचलर्स इन फिज़िकल एजुकेशन बीपीएड कर रही हूँ, जो मेरे को काफ़ी हेल्पफुल लग रहा है, मैं काफ़ी इम्प्रूव भी कर रही हूँ, अपनी जनरल नॉलेज हो गई और जो भी टेक्निक्स वगैरह है उन सब में मैं अपना काफ़ी मतलब नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें हमारे टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव हैं, हम उनसे कभी भी पूछते हैं तो वो मतलब सारी नॉलेज हमें देते हैं। आप क्या करती हैं कोच बनने के लिए? अभी मैं बैचलर ऑफ़ फ़िज़िकल एजुकेशन ही कर रही हूँ और उसके बाद मेरा है कि एमपीएड करनी है एंड NIS करनी है ताकि मैं कोच बन सकूं एक सक्सेसफुल, और हिमाचल, मैं बेसिकली हिमाचल से हूं, वहां पे बहुत एकेडमीज मतलब बहुत बच्चे हैं जो नहीं कर पाते हैं, तो मैं वहां पे एकेडमी खोलना चाहती हूं ताकि मैं उनको सिखा सकूं। और एकेडमी खोलना चाहती हैं, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो अभी आप जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर एक भी अकेडमी नहीं है इस टाइम पर, तो
आई वॉन्ट कि मैं खोलूँ ये। आपको क्या लगता है कि खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या होता है? पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स होते हैं, उसके फैमिली होते हैं। फैमिली होती है हमको, अगर फैमिली का मतलब सपोर्ट मिले तो हम कुछ भी चीज़ इजीली कर लेते हैं। मतलब सपोर्ट होना चाहिए पेरेंट्स का एंड कोच का, बस इसके अलावा हमको किसी का भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ज़रूरत नहीं होती। मोटिवेशन होना चाहिए, खुद ही का अपना सपोर्ट होगा, पेरेंट्स तो करते हैं बट हमें भी खुद अलर्ट होना, हमें भी अपनी गेम को इम्प्रूव करना चाहिए कि जिससे हम अपना अच्छा प्रदर्शन दे पाए गेम्स। यानी मोटिवेशन ज़रूरी है पर सेल्फ कॉन्फिडेंस उतना ही ज़रूरी है। बेहतरीन प्रदर्शन चल रहा है, इतिहास रचा जा चुका है एशियन गेम्स के पहले ही दिन में, यानी कि बटरफ्लाई तैराकी में साजन जी ने अपना इतिहास यानी फाइनल में पहुंचकर भारत के लिए एक इतिहास दर्ज कर दिया है। 32 साल में पहला भारतीय तैराकी में फाइनल में पहुँचा है। बेहतरीन जनाब, बेहतरीन गोल्ड मेडल मिल चुका है पहलवानी में हमें, और भी बेहतरीन प्रदर्शन हम देखेंगे एशियन गेम्स में। और हमारे जो नौजवान हैं, हमारी जो आवाम है, वो क्या जानती है खेल के बारे में, खेल खेलते टाइम उनकी ज़िंदगी में क्या मुसीबतें आती हैं, क्या मोटिवेशन उनकी रहती है, सारी बातें जानेंगे। आज बात कर रहे हैं खेल की, एशियन गेम्स की, और जान रहे हैं कि क्या क्या मुसीबतें आती हैं शुरुआत में। जब इतिहास रच दिया जाता है, जब गोल्ड मेडल मिल जाता है, खुशी सभी को होती है, लेकिन वो शुरुआती दौर जब एक खिलाड़ी पक रहा होता है, अपने खेल को मजबूत कर रहा होता है, तब उसको क्या क्या परेशानियां आती हैं, आज जानते हैं एक ट्रेनर से, एक कोच से, कि वो कैसे देखते हैं कि खेल में जो एक उत्साह लोगों का होना चाहिए, क्या वो उनको लगता है कि लोगों में है वो उत्साह। जैसे क्रिकेट की अगर बात कर ली जाए, लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बाकी गेम्स के लिए भी वही एक्साइटमेंट देखने को मिलता है आपको? बाकी गेम्स में भी वही एक्साइटमेंट देखने को मिलता है। कुछ इश्यूज़ ये हैं कि जैसे लड़कियों से जब भी बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो जनरली अभी लेटेस्ट एग्जांपल है कि एक लड़की ने बोला कि मेरा ब्रदर अलाउ नहीं करता। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके ब्रदर क्या खेलते हैं, उन्होंने बोला कि मेरे ब्रदर चेस खेलते हैं। तो हमने उसको यहाँ पर चेस सिखाई, उसने अपने ब्रदर को हराया, तो अब उसका ब्रदर अपनी हार स्वीकार कर रहा है और उसको बोल रहा है कि ओके यू कैन प्ले। तो अनदर एग्जाम्पल वॉज वन गर्ल केम, सी वॉज 35 kg वेट, उसने बोला कि मैं 35 kg वजन में सर मैं क्या करूँ, क्या कर सकती हूँ। तो सेली रोइंग में और सेलिंग में एक आगे जो गाइड करने वाला बच्चा होता है, उसका वेट जितना कम होगा उतना बोट के ऊपर सबसे कम वज़न पड़ता है। तो उस लड़की को हमने सेलिंग में डाला और लास्ट टाइम वो ऑल इंडिया इंटरेस्ट टीम में उसका गोल्ड आया। तो ऐसे बच्चों को जो रिक्वायरमेंट होती है, नीड बेस होती है, वैसा हम लोग चेंज करते हैं। बाकी क्रिकेट की अपनी ब्यूटी है, वो हर गेम पर उसमें अट्रैक्शन है, तो वो अपनी उसके कारण वो अट्रैक्ट हो रहा है, वो सर्वाइव कर रहा है, उनकी मैनेजमेंट इतनी अच्छी है। तो ऐसे बाकी एसोसिएशन को भी प्रोफेशनली उस लेवल पे काम करना चाहिए, तो वो भी अच्छा करेंगे। तो अभी क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, आपने जैसा कि कहा कि मैनेजमेंट को स्ट्रांग होना चाहिए और बेहतर तरीके से काम करना चाहिए, तो और क्या किया जा सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो स्टार्टिंग में खिलाड़ी को फेस करनी पड़ती है आपके अकॉर्डिंग? लड़कियों में जैसे एक तो उनको बड़ा रहता है कि कलर को लेकर बड़ा उनमें इशू रहता है कि कॉम्प्लेक्शन ख़राब हो जाएगा। तो मैं उनको बताता हूँ कि हिमा दास का कॉम्प्लेक्शन और पीटी ऊषा का कॉम्प्लेक्शन के सामने, जो उनका गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है, उसके सामने कोई कॉम्प्लेक्स काम नहीं आता ऐसे। तो ऐसे उनको कुछ ना कुछ एग्जांपल्स देते हैं, वीडियोस दिखाते हैं, यहाँ पे टीवीज पे उनको एग्जांपल्स देते हैं, तो कुछ कन्विंस होते हैं, कुछ बच्चे नहीं कन्विंस होते हैं। फिर बाद में ये भी समझाते हैं कि जो स्पोर्ट्स है वो वे ऑफ लाइफ है, इसमें खाली खेलना ही नहीं है, ये पूरी लाइफ काम आने वाला है। तो बच्चे ट्रांसफ़र होते हैं हमारे कॉलेज में आने के बाद, फर्स्ट ईयर में ऐसे कई 100 बच्चे होंगे जो कभी स्पोर्ट्स में नहीं थे और जो इस कॉलेज में आने के बाद नेशनल लेवल पर मेडल गए हैं, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गए हैं। तो बेहतरीन, बहुत अच्छा लगता है ऐसा देख के कि जो बच्चे खेल की तरफ नहीं थे वही कई मेडल जीत जाते हैं। आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स को समझाना कितना मुश्किल होता है बच्चों को खेल में लाने की, क्योंकि एक कहा जाए कि कहावतें बहुत बनी हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। इन कहावतों, इन लाइनों की वजह से पेरेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि बच्चों का पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है ना कि खेल। क्या कहना चाहिए इस बारे में? मैं यही कहूँगा कि सोच बदल रही है, भारत बदल रहा है। अभी आप देख सकते हैं खेलो इंडिया एक इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था, उसके बाद से पेरेंट्स की मेंटेलिटी चेंज हो गई है। अगर मैं बात करूँ आज की डेट में, मतलब हम बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, पेरेंट्स के साथ सेशन होते हैं, वो बताते हैं कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को साइना जैसा बनना है, धोनी जैसा बनना है। कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स का क्रेज़ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे प्रसीव कर रहे हो, कैसे आगे दे रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं एक लेटेस्ट चेंज आया है, 9th, 10th, +1, +2 में फिज़िकल एजुकेशन आ गया है। ये क्यों आया है? क्योंकि बच्चों का रुझान खेल की तरफ बढ़ता जा रहा है, अब चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खेलें।
पेरेंट्स तो हर बार बोलते हैं कि हाँ करना है नहीं करना है, कहीं ना कहीं बच्चे की विल पावर के आगे पेरेंट्स झुक जाते हैं। आप देख लीजिए पीवी सिंधु, उनके पेरेंट्स ने उन्हें कितना सपोर्ट किया, दे ट्रैवल 28 किलोमीटर्स इन अ डे, उनको ड्रॉप करना, उनको लेके आना, पेरेंट्स कहीं ना कहीं सपोर्टिंग फेस में होते हैं, बट येस जब तक उन्हें वो चीज़ क्लियर नहीं दिखती है, एक विजन नहीं दिखता है कि इससे क्या निकल के आएगा, कोई भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता है। एंड हमारा सबसे पहला टारगेट यही रहता है उनको ये समझाना कि प्लेयर बनने से पहले एक अच्छा सोसाइटी का कॉन्ट्रीब्यूटर बनना है। आप सोसाइटी के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो, प्लेयर तो कोई भी बन सकता है, कोई नहीं बन सकता है, बट सोसाइटी के लिए आप कितना अच्छा बन सकते हो वो क्वेश्चन सबसे बड़ा है। प्लेयर बनना एक से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एक अच्छा इंसान बनना, सोसाइटी के लिए एक अच्छा इंसान बनना। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जब आप प्लेयर्स को सिखाते हैं तो ऐसा कौन सा चैलेंज है जो आपके सामने आता है, और आप उस चैलेंज को कैसे कहते हैं कि अवॉइड करते हैं या उन बच्चों के जहन से उस डर को निकालते हैं जो आपके सामने आता है? सबसे पहले तो हम मतलब ये कोशिश करते हैं अभी जो हमारे बच्चों को एनवायरनमेंट है वो एक पॉजिटिव और सेफ एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। सेकंड थिंग जो उनको मोटिवेशन है उनको हमने रेगुलर, क्योंकि बच्चे बिगनिंग में क्या होता है शुरू में आते हैं, दो दिन आते हैं, फिर तीन दिन नहीं आते हैं, फिर आते हैं, फिर नहीं आते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज यही रहता है हमारे लिए भी उनको रेगुलर हमने कैसे अपने पास आने के लिए मोटिवेट करना है। तो बेसिकली हम उनको क्या करते हैं, स्टार्टिंग में इतना अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं और उनको इन्जॉयमेंट भी रहता है अपने गेम्स के साथ साथ, ताकि वो रेगुलर अपना जो है गेम करते रहें। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे आप कुछ भी करना चाहें उसके लिए मोटिवेशन जितना ज़रूरी है तभी आप कुछ कर दिखाएंगे। चलिए मैं आपसे ही बात करता हूँ कि आपके लिए मोटिवेशन क्या है कि आप अपनी गेम को और सुधार सकें। इस गेम को मैंने, ये जो गेम लिया है फेंसिंग गेम, ये मेरे को मैंने इसलिए लिया क्योंकि नेशनल लेवल पे खेली जाती है और मेरे को इसमें इंटरेस्ट भी है बहुत। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सो मैंने इसलिए ये गेम चॉइस की और मुझे अच्छा लगा। तो पेरेंट्स, मम्मी डैड ने सबने अलाउ किया? यस, वो उन्होंने तो अलाउ कर दिया। यस, एक्चुअली ये कॉलेज में ही है, कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, पास में है, कोई मतलब पेरेंट्स इसलिए अलाउ करते हैं। आपको कभी लगता है कि पेरेंट्स जो हैं आपको मोटिवेट करते हैं गेम्स में आने के? यस, हमेशा पेरेंट्स ही मोटिवेट करते हैं। पहले हम अपना माइंड नहीं बनाते, हमें पेरेंट्स पहले मोटिवेट करते हैं कि अपनी गेम पहले रखो, क्योंकि गेम हमें फिट रखती है, फिजिकली फिट रहता है बच्चा, हमें माइंड फ्रेश होता है हमारा, तो फिर कहते हैं कि स्टडीज़ के साथ गेम्स भी होनी चाहिए। स्टडीज़ के साथ गेम्स बहुत ज़रूरी हैं ताकि आप फिट रहेंगे, दिमाग चलेगा और कुछ नया निकल के आएगा। आपसे जानता हूँ कि आपका फेवरेट गेम कौन सा है? फेंसिंग ही है। फेंसिंग ही है। तो फेंसिंग में कैसे कमाल दिखाना चाहती हैं, क्या सपना रखती हैं? फेंसिंग में नेशनल जीतना चाहती हूँ। कैसे जीतेंगे, कितना हार्डवर्क चाहती हैं आप करेंगी? हाँ, रोज़ आके यहाँ पर प्रैक्टिस करना और रूटीन में रखना ये। और कुछ अभी कोच ने बोला कि कुछ बच्चे हैं जो रेगुलर नहीं आते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? और यहाँ पर रेगुलर आना ज़रूरी है, नहीं तो कोई भी चीज़ ऐसे रेगुलर न करे तो भूल जाते हैं। वही मेहनत बहुत ज़रूरी है यार, मेहनत बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी मुकाम पाना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को ऊंचाइयों पे देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में आपके नाम से देश को जाना जाए, तो ज़रूरी है आपकी मेहनत, कड़ी मेहनत, और ज़रूरी है आपका प्यार आपके खेल के प्रति और आपके देश के प्रति। एशियन गेम्स 2018, गाइस 45 देशों के 11,000 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं, और पहले ही दिन यानी गेम्स की शुरुआत के पहले ही दिन भारत का नाम चरम यानी कि सबसे ऊपर है, क्योंकि भारत को गोल्ड मिला है। पहले ही दिन पहलवान बजरंग ने हमें गोल्ड दिलाया है और एक इतिहास रचा गया है स्विमिंग में। चलिए बात करते हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने रियल लाइफ से लेकर रियल लाइफ में पहलवानी को बहुत अहमियत दी है, और बात करें खिलाड़ी बजरंग की जिन्होंने एक गोल्ड मेडल भारत को दिलाया, जो कि बहुत ही गौरव की बात है। उनके साथ समय गुजारने वाले राजा पाजी से यानी राजा पहलवान से, कैसे हैं राजा जी आप? बहुत बढ़िया। चलिए सबसे पहले आपकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपका सफ़र पहलवानी से शुरू हुआ, ज़िंदगी शुरुआत में कैसी रही और अब जाके कैसी ज़िंदगी है, कितनी मुश्किलें आई ज़िंदगी? कुछ दिन बादशाह बहुत मुश्किलें आती हैं, हर पहलवान तकरीबन गरीब घर से होता है, और जो डाइट मिलनी चाहिए स्पोर्ट भी उन्हीं को करती है सरकार जो ऊपर चले जाते हैं। नीचे लेवल से अगर सभी अखाड़ों से, छोटे अखाड़ों से उठाएँ तो भारत के लिए वो दिन दूर नहीं जो ओलंपिक में कई गोल्ड आएंगे।
बिल्कुल, अगर प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा जाए हर एक खिलाड़ी का जो छोटे तबके से शुरुआत करता है, क्योंकि शुरुआत तो नीचे से ही होती है ना यार। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने बजरंग के साथ समय गुजारा, किस तरह के इंसान थे, आज गोल्ड मेडल एशियन गेम्स में यानी कि दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया, पहले ही दिन में गोल्ड जीत लिया है, कैसा रहा आपका उनके साथ सफ़र? वो बच्चा शुरू से ही मेहनती है भाई, और योगेश्वर का उनका बहुत ही, योगेश्वर पहलवान ने उनको मतलब इतनी सपोर्ट की है उसकी कोई वो ही नहीं, और इसीलिए वो जो कह देते थे वो पूरी मेहनत करता था, चार चार घंटे मेहनत करना। और जैसे उन्होंने सबसे खास बात ये देखी, अगर आप हिंदुस्तान में प्रैक्टिस करते थे उनको जॉर्जिया लेके गए, जॉर्जिया किस लिए लेके गए, अगर यहाँ जब आदमी प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको भाई कोई बीच में डिस्टर्ब कर दे, वहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करे, सिर्फ पहलवानी, सिर्फ पहलवानी, मकसद उनका यही था। अगर भाई योगेश्वर के बाद उन्होंने इसी बढ़त को आगे रखना, यानी एक बार उन्होंने ठान ली, अपनी मंजिल को ठान ली और बस उसी रास्ते पर चलते गए। कहा जाता है कि जो खेल है, हम अगर सभी खेलों की बात करें, जो सोसाइटी है, जो हमारे माँ बाप हैं, कहीं ना कहीं डरते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा, डरते हैं कि हम पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे, इसलिए कहीं ना कहीं वो बच्चों को खेल में जाने से रोकते हैं, करियर खेल में बनाने से रोकते हैं। बिल्कुल भाई सर, क्योंकि कुश्ती एक ऐसा चीज़ है, आप पूरी प्रैक्टिस करोगे तो आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि 3-4 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद आप बिल्कुल थक जाते हो, उसके बाद आपको विश्राम नहीं करोगे तो आप आगे के लिए तैयार नहीं होगे। और माँ बाप सब यही सोचते हैं हमारा बच्चा कामयाब होए, अगर कुश्ती में कामयाब नहीं होया, पढ़ाई में कामयाब नहीं होता, तो फिर किसी काम का नहीं, तो माँ बाप यही सोचते हैं भाई पढ़ ले, अगर इसमें करे तो फिर स्पोर्ट नहीं है, क्योंकि पीछे बैक होनी चाहिए कुश्ती के लिए, बहुत डाइट होनी चाहिए, वो पहलवानी वही करता मिलेगा जो बिल्कुल गरीब घर का हुआ, क्योंकि 50 रुपये की लंगोटी आती है उससे शुरुआत होती है, और कठिनाइयाँ तो बहुत ही होती हैं कुश्ती के अंदर, कठिनाइयाँ बहुत हैं। चलिए हमारे पास कुछ राजा पाजी के स्टूडेंट हैं, राजा पहलवान के स्टूडेंट हैं, चलिए उनके पास चलते हैं, बात करते हैं उनको क्या क्या मुसीबतें अभी तक उठानी पड़ी हैं। जनाब आपका नाम? मेरा नाम बलराम है, मैं राजा पहलवान जी के अखाड़े में प्रैक्टिस करता हूँ, और हमारे बहुत अच्छे गुरु जी हैं, और आजकल जैसे कल हमें पता चला कि बजरंग पहलवान जी ने एशियन गेम में मतलब गोल्ड मेडल हासिल किया, जो मतलब आजकल योगेश्वर और सुशील के बाद अब वो पहलवानों के लिए एक आइकॉन बन चुके हैं, और काफ़ी प्रेरणा मिलेगी उनसे हम जैसे युवा पहलवानों को। तो आप अपने आप को आने वाले कुछ सालों में कहाँ देखते हैं? हमारी भी कोशिश रहेगी हम आहिस्ता आहिस्ता पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब एक सीढ़ी के हिसाब से चढ़ते चलें, और अब नेशनल उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कॉमनवेल्थ और एशियन चैंपियनशिप के लिए हम भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। क्या बात है, तैयारियों में जुटे हुए हैं। शिक्षा पढ़ाई की बात की जाए तो वो बहुत ज़रूरी है, तो आपको क्या लगता है कि कितना मुश्किल रहता है स्टडी को और खेल को एक साथ चलाने में? पढ़ाई और कुश्ती भी एक साथ तो हो नहीं सकती, क्योंकि पढ़ाई में बच्चा मेहनत करेगा तो फिर पढ़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि रेस्ट भी चाहिए, रेस्ट बहुत ज़रूरी है। और पढ़ाई में जिस कुश्ती में तो लंबा सफ़र हो, ये नहीं पता 8 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, पहलवानी में तो लंबा सफ़र हो, और पढ़ाई में तो बच्चा अगर पढ़ने लग जाए तो 2-3 साल में बच्चा कामयाब हो जाए, लेकिन भाई कुश्ती का सफ़र लंबा हुआ है। कुश्ती का सफ़र लंबा होता है, तो आपने अपने पेरेंट्स को कैसे समझाया, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा जो है वो एक अच्छे मुकाम पर चले, जल्दी सक्सेस हासिल कर ले और अपना परिवार बसाए, कहाँ तक मुश्किलें आती हैं आपको? भाई हमारे जैसे वो परिवार में कुश्ती को लाइक करते, तो इसलिए फिर परिवार वाले कुश्ती को सपोर्ट करते हैं, हमारे कुश्ती को पसंद करते हैं इसलिए कुश्ती को लाइक करते हैं। ऐसे परिवार जहाँ पर कुश्ती को नहीं पसंद किया जाता है, आपको क्या लगता है क्या परेशानियाँ उनको आती हैं? सबसे बड़ी परेशानियाँ तो ये होती हैं कि कुश्ती में चोट फेट काफ़ी होती हैं, इंजरीज काफ़ी होती हैं, इस करके घर वाले थोड़े सा नहीं चखते हैं कि बच्चे को ना भेजें हम, इसमें चोट फेट ज़्यादा लगती हैं, और एक अगर वो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा ना तो पढ़ाई से दूर होने लग जाता है, इस करके ना जो परिवार कुश्ती को नहीं पसंद करते वो बच्चे को कुश्ती में नहीं डालते, लेकिन ये बात गलत है, जो कोचेस होते हैं वो पूरा ध्यान देते हैं जोरों में, और वो जहाँ तक हो सके चोट नहीं लगने देते बच्चे को। चोट का जहाँ तक माँ बाप को डर रहता है, हमारे समाज को डर रहता है, कोच इसीलिए होता है ताकि एक सुरक्षित खेल हो, सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। अगर मैं कहूँ कि छोटे बच्चों की बात की जाए जिन्हें आज के टाइम में घर में रहना बहुत पसंद है, टेक्नोलॉजी के साथ रहना बहुत पसंद है, और माँ बाप उनको यही चाहते हैं कि वो घर में रहें और पढ़ाई करें, उनके लिए खेल कूद कितना ज़रूरी है? एक ये इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है और सिखाने वाले पर, कि जो उनको किस इंटरेस्ट पर लेके जा रहा है
उनका इंटरेस्ट बनाना और बिगाड़ना माँ बाप के हाथ में होता है। अभी वो अपने बच्चों का इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह की तरफ करते हैं या गेम की तरफ करते हैं, ये सब पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। तो खेल कितना ज़रूरी है आपके लिए? खेल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्यों, इससे हमारे शरीर बनता है और हम फिजिकली फिट रहते हैं, और पढ़ाई भी इसके साथ बहुत ज़रूरी है। इससे हम अच्छे रैंक पे अगर हम कहीं कॉमनवेल्थ में मेडल आते हैं और हम पढ़े भी अच्छे हैं तो हमें अच्छा रैंक मिलेगा आगे जॉब में वगैरह। तो कितनी मुश्किलें आती हैं पढ़ाई, जैसा कि अभी आपने सुना कि पढ़ाई और गेम दोनों एक साथ चलाना बहुत मुश्किल होता है, आप कैसे मैनेज करते हैं दोनों चीज़ों? अगर हम सुबह भी अखाड़े में आते हैं तो फिर हमें रिकवरी के लिए सोना पड़ता है, अगर हम सोते नहीं हैं तो फिर शाम को हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते, हमारा शरीर दुखेगा। तो इसको मैनेज करने के लिए जब स्कूल की छुट्टियां होती हैं तो सोते भी हैं, फिर थोड़ा पढ़ने की भी कोशिश करते हैं, इस हिसाब से मैनेज हो रहा है। मैनेज हो रहे हैं। माँ बाप को कोई कंप्लेंट तो नहीं है कि आप कुश्ती पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो पढ़ाई पर? नहीं नहीं, ये नहीं है, ऐसा कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं और रिजल्ट देते हैं तो माँ बाप को कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। रिजल्ट देते हैं तो माँ बाप को कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी यही है कि आप रिजल्ट दें, और अगर आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो कोई भी माँ बाप हो चाहे सोसाइटी हो आपको पीछे नहीं करेगा। एशियन गेम्स जाना चाहेंगे? यस सर। क्या उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं? काफ़ी मेहनत कर रहे हैं जी, जान लगा रहे हैं आप? हाँ जी, हमारे गुरु जी करवा रहे हैं मेहनत और हम भी कर रहे हैं। आप कर रहे हैं। कहते हैं कि अगर आपको एक मुकाम हासिल करना है तो उसके लिए आपका कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है, तो आप स्टडी पे भी ध्यान दे रहे हैं और कुश्ती पे भी? हाँ जी, स्टडी भी करते हैं, टाइम मिलता है जैसे खाली टाइम में हम स्टडी भी करते हैं, प्रैक्टिस के बाद जैसे एक दो घंटा स्टडी भी करते हैं। हाँ जी, स्टडी भी करते हैं। मेन थिंग है ना, वो नशे से दूर रहता है बच्चा, जो मेन थिंग है घर वाले ही सोचते हैं, हम अगर कुश्ती में डालेंगे ना बच्चे को, जो हमारे माँ बाप सोचते हैं, अगर कुछ नहीं हो पाया ना वैसे भी ये गोल्ड मेडल जीतेगा कि अपनी ज़िंदगी से सेक्स करेगा, नशे से दूर रहेगा, इस करके घर वाले ज़्यादा करते हैं बच्चे को कि वो नशे से दूर रहे, इस करके कुश्ती में घर वाले बहुत ज़्यादा डालते हैं। खेल में मेन थिंग यही हो रखी है सर कि नशा ज़्यादा हो रखा है आजकल इंडिया में, नशा 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 एक बहुत बड़ी समस्या कहा जाए तो देश की बनती जा रही है, जिसे रोकना बहुत ज़रूरी है, चाहे खेल के माध्यम से हो चाहे या उनको बिजी रखने के माध्यम से हो, ज़रूरी है कि बच्चे नशों से दूर रहें, अपना भविष्य संवारें। जिस तरीके से बजरंग ने गोल्ड मेडल जीता है, कई मेडल्स हमारे पास आए हैं, हिस्ट्री बनाई है दोस्तों हमने 32 साल में। अगर हम बात करें बटरफ्लाई तैराकी की तो उसमें पहली बार 32 साल में पहली बार भारत जो है फाइनल में पहुंचा है, कई मेडल हमने जीते हैं, सिल्वर ब्रॉन्ज, और इस खेल में कई मेडल हम और जीतेंगे, ये पूरा हमारा भरोसा है, देशवासियों का भरोसा है, और पूरी पूरी तरीके से मेहनत कर रही है आने वाली पीढ़ी कि किसी ना किसी तरीके से माँ बाप को समझा लिया, सोसाइटी को समझा लिया, अब ज़रूरत है दुनिया को कुछ कर दिखाने की।